नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले आज एक नजर हेडलाइंस पर। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने से लोग परेशान, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाए नए नियम। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल लू से राहत नहीं, मॉनसून में दो हफ्तों की देरी। देर रात शायर मुनव्वर राना के घर पुलिस की तलाशी, बेटी का आरोप, प्रशासन ले रही बदला। चंद्रशेखर आजाद पार्क से मस्जिद हटाने की मांग, प्रयागराज हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मारपीट मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर, प्रियंका गांधी के निजी सचिव भी नामजद। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा दलित विरोधी है, कोई भी बड़ी और प्रमुख पार्टी सपा से गठबंधन नहीं किनारा करना ही बेहतर समझती है। मायावती ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि समाजवादी पार्टी की ओर घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच रखती है। कार्यशैली के कड़वे अनुभवों और इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहने व करना सपा की महालाचारी है। वहीं इस खबर पर इस वक्त संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, लगातार देख रहा है कि मायावती अब विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक तरह से एक्सपीरियंस साझा किया है। जी बिल्कुल, देखिए बसपा से प्रमुख मायावती, यू तो कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों पे हमलावर रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जब से प्रदेश इलेक्शन मोड में आया है तब से ये समाजवादी पार्टी पे कुछ ज्यादा ही हमलावर है। आज के ट्वीट में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए और यहाँ तक कह डाला कि छोटे पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना उनकी महालाचारी है, क्योंकि बड़ी पार्टियां अपने कड़े अनुभवों के साथ किनारा कर चुकी हैं। शायद कड़े अनुभव वो खुद के लिए भी बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और अपेक्षा अनुरूप हालांकि नतीजे नहीं आए, तो उसके बाद इन्होंने किनारा कर लिया था। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो बड़ा जोर शोर से बुआ भतीजे को जिताने के लिए जो है कोशिशें की गई थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये कड़वे अनुभव की जो बात कर रही है वो खुद के लिए भी हो सकता है, और उससे बड़ी चीज ये है कि सपा पे अगर ये हमलावर है तो इसकी वजह भी लाजमी है। अगर पिछले दिनों हमने देखा कि समाजवादी पार्टी अपनी जब चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आगे आई तो उसे सबसे पहले अगर किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। तो जाहिर तौर पे उस समय भी बहुजन समाज पार्टी का और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा था कि जिन विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो सपा मुखिया से मिल रहे हैं वो उनको पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है तो बसपा के नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चोट इतनी तेज पड़ी थी मायावती को कि मायावती को खुल के सामने आना पड़ा था और वो लगातार जो है इसी वजह से अखिलेश यादव पे हमलावर है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर दो क्षेत्रीय पार्टियों की, मुख्य क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी ही है, और इनको पता है कि जो वोट बैंक है जिन पे दोनों का अधिकार है वो वोट बैंक जो है इनके अपने वोट बैंक जो है उसमें सेंध लगती रही है हमेशा से। तो जो जिसकी पार्टी में, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सपा का जो छोटे दलों से गठबंधन कह ले या फिर उनकी तरफ झुकाव ज्यादा साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार झुकाव दे रही है छोटे दलों के साथ, तो ऐसा उन्होंने इस पर भी हमलावर होते हुए कहा कि ये साफ सपा की महालाचारी भी दर्शा रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुरानी पार्टियां, कोई भी बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनके अपने पुराने कड़वे अनुभव हैं, तो ये महालाचारी है। तो जाहिर तौर पर बहुजन समाज पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ गठबंधन में जाएगी नहीं, और समाजवादी पार्टी छोटे दलों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जब अगर बड़े दलों की बात करें तो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, अगर विपक्ष की बात करें तो ये बड़ी पार्टियां हैं,
और ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ गठबंधन में रह चुकी हैं और गठबंधन में रहने के बाद भी अपेक्षा अनुरूप जो है परिणाम नहीं मिला, तो इसकी वजह से गठबंधन बहुत आगे तक नहीं चल पाया, गठबंधन टूट गया। तो जाहिर तौर पर अगर समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ लड़ रही है तो ये बेचैनी मायावती की भी बढ़ रही है, क्योंकि मायावती ने भी शुरू में कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है, तो यानी कि मायावती अकेले ही चुनाव में उतरेंगी, वो किसी भी छोटे दल के साथ भी नहीं जाएंगी, ना वो बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे कि मायावती गठबंधन कर सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल मायावती के गठबंधन का कयास लगाया जा रहा है, तो इसकी कोशिशें भी हुई, लेकिन चूंकि मायावती भी इन छोटे दलों के साथ जाना चाहती थी, वो भी किसी बड़े दल के साथ जो है शेयर नहीं करना चाहती थी अपनी सीटों को, तो छोटे दल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर खासतौर से बात करें तो ये छोटे दल जो होते हैं, ये छोटे दल किसी विशेष समुदाय, विशेष जाति और इनको जो है टारगेट करके अपनी पार्टी बनाते हैं और उसी उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तो इसका फायदा जो है जो बड़े दल हैं वो हमेशा से उठाते रहे हैं। अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए आप, इलेक्शन के पहले जो है 2017 के इलेक्शन के पहले इनके पास भी तमाम छोटे दल थे, हालांकि बाद में राजभर अलग जरूर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा चुनाव में जरूर मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं छोटे दलों पे टिकी रहती है और मायावती की भी कोशिश थी कि गठबंधन हो, नहीं हो पाया और छोटे दल अब अखिलेश के टच में है, तो ये भी वजह हो सकती है कि इस वजह से भी जो है वो समाजवादी पार्टी पे हमला आ रहे हैं। हालांकि वो बहुजन समाज पार्टी साफ कर चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन जहां तक पुरानी चीजों को देखें और खबरों का आकलन करें तो बहुजन समाज पार्टी भी इसी कोशिश में थी कि छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन हो, कोशिशें भी हुई, कई मुलाकातें भी हुई, लेकिन नहीं संभव हो पाया, इसी वजह से ये हमलावर अखिलेश सरकार था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में छोटे दलों का बोलबाला है। जी हाँ, क्योंकि छोटे दलों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, हालांकि दांव जो है वो समाजवादी पार्टी ने खेल दिया और छोटे दलों के साथ जाने के लिए उन्होंने शुरुआत से इस बात को लेकर बोला कि हम छोटे दलों के साथ जाएंगे, वहीं कहीं ना कहीं मायावती लगातार सपा पर हमलावर है और उसको लेकर ही मायावती ने ये ट्वीट भी किया है, जिसको लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अखिलेश छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए जा रहे हैं वो उनकी लाचारी को दर्शाता है। अब देखना है होगा कि मायावती के इन ट्वीट्स के ऊपर सपा का क्या रिएक्शन सामने आता है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगरा के खंडौली और सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। दोनों ही केंद्रों पर डिप्टी CM ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और संभावित तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम भी देखे। भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने कोरोना पीड़ित सवजन की मदद करने की बात कही। इसके बाद वो नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास पर भी पहुंचे। इसके बाद वो पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। शहीद की वीरांगना के धरने पर बैठे होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पारिवारिक मिलन है, हम लोग घर पे आए हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं कोई ना कोई कार्यकर्ता के घर जाते हैं, नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शहीद की जो वीरांगना है वो धरने पर सुबह से बैठी। कहाँ पे सर? यहाँ कुछ ही दूरी पर, मेरे ख्याल से 300 मीटर की दूरी पर। क्यों बैठी हैं? कुछ उनकी मांगे हैं क्या सर? आप उनसे भी मिलने जाएंगे? मैं फोन से बात कर लूंगा, मिलने के लिए तुमसे कभी उन्होंने कहा नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा। वीरांगना है, अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो। कोरोना की दूसरी लहर गए अब थोड़ी ही समय हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी सामने आ रही है। हमीरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान गांव में कई दिनों से सर्कस चल रहा है और सर्कस देखने के लिए इलाके में भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव की है। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को महिलाओं के लिए शुरू किया गया था और इस मिशन का मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। इस मिशन शक्ति का उदाहरण लखीमपुर खीरी में देखने को मिला। यहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ ही केस दर्ज करवाया है। महिला ने डायल 112 की टीम को फोन करते हुए अपने पति के द्वारा अफीम की तस्करी करने के बारे में जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी के पास से 5 किलो 45 ग्राम अफीम बरामद की है, साथ ही 43,000 रुपए भी बरामद हुए। इसके बाद SP ने महिला को इस साहसी काम के लिए सम्मानित भी किया।
पुलवामा हमले में शहीद हुए आगरा के लाल की पत्नी को आखिरकार अपनी परेशानियों से थक हार कर धरने पर बैठना ही पड़ गया। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की शहादत पर सरकार के द्वारा कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद भी शहीद के परिवार को इनकी कई घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके बाद आज शहीद के परिवार का सब्र का बांध टूट गया और शहीद का पूरा परिवार अपने शहीद की प्रतिमा पर ही धरने पर बैठ गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको यहां से हटाने के लिए कई आश्वासन भी दिए, लेकिन शहीद के परिवार ने जब तक अपनी मांग पूरी नहीं होती तब तक यहां से न हटने का मन बना लिया। वहीं हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने भी शहीद के परिवार से बातचीत की और उनकी मांगों को जाना, तो चलिए आपको सुनाते हैं। मेरी सांसें मेरे लहू मेरे बदन में रहा, मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जेहान में रहा, मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब भी ये तिरंगा मेरे कफन में रहा। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये एक शहीद की एक आत्माओं की जो एक आवाज़ होती है ये उनको दर्शाती हैं। तो इस तरह की जो उनको शहीद को पता होता है कि हमारे जाने के बाद हमें एक शहीद का एक वीर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उनको पूरी तरह इस चीज़ का पता रहता है और उसी ही चीज़ को लेकर इन सब बातों को ध्यान में रखकर शहीद अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए शहीद हो जाता है और वो अपने बराबर अपने कर्तव्य के लिए लड़ता रहता है। शहीद की वीरांगना है वो आज धरने पर बैठी हुई है और देखिए रात के 11 बजे का टाइम हो रहा है और ये किस तरह से यहाँ पर रात के 11 बजे भी यहाँ अपने उसी आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरह ये यहाँ अपने शहीद की जो प्रतिमा है उस पर बराबर ये नज़र बनाए हुए हैं और यहीं पर डटी हुई हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका दर्द कि इनके अंदर क्या दर्द है, ऐसा क्या रहा जो कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और इस चीज़ को ये मजबूर हो गई कि इनको रात में भी यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम ममता रावत है। जी, जिस तरह आप रात में भी यहीं पर हैं, सुबह से आपका धरना बराबर लगातार जारी है, तो क्या कुछ ऐसी आपकी पीड़ाएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आपको यहाँ इस चीज़ के लिए आपको मजबूर कर दिया गया है? हमारा सबसे पहला तो मूर्ति का उद्घाटन करवाना है, दूसरा नंबर हमारा स्कूल का नाम कराना है, द्वार बनवाना है और हमारा जो शिक्षा विभाग का पैसा कटा है वो हमको मिलना चाहिए और जो ज़मीन है हमारी जो अभी तक मिली नहीं हमको वो मिलनी चाहिए और सरकार से हमारी यही सारी मतलब मांग है जो घोषणा की थी वो सारी होनी चाहिए हमारी। जैसा कि आज डिप्टी सीएम शहर के अंदर आए और बावजूद उसके क्या आपसे मिलने आए, क्या आपकी पीड़ा आपका दर्द सुनने आए आपके पास तक यहाँ? आज डिप्टी सीएम मेरे घर के बगल में आए हैं, स्मारक से बस ज़्यादा होगा तो 1 मिनट का या 2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन मेरे घर पर नहीं आए, प्रशासन को भेजा है लेकिन डिप्टी सीएम मेरे घर नहीं आए। क्यों? कि चुनाव आते हैं जब तो वो कहीं भी भेज दो उनको, फिर कुछ नहीं होता है और आज शहीद की प्रतिमा पे मैं धरना दे के बैठी हूँ, आज वो मेरी खबर लेने तक भी नहीं आए। तो जिस तरह डिप्टी सीएम की संवेदनहीनता जो दर्शाती है आपसे मिलने नहीं आए, आगे आप क्या करेंगे और क्या कैसी रणनीति रहेगी, आप कब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, क्या कुछ? जब तक मेरे जितने भी काम हैं वो काम जब तक मेरे पूरे नहीं होंगे, जब तक मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूँगी, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, अच्छा है मैं यहीं बेशक मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है पर यहीं रहूँगी जब तक मैं। जी, तो इस तरह ये थे हमारे साथ, ये थी शहीद की वीरांगना जिनसे हमने बात की और जाना कि किस तरह की इनकी पीड़ा है, क्या कुछ दर्द है इनके अंदर। आइए हम इनसे यहाँ उनके बेटे भी यहाँ धरने पर मौजूद हैं, बराबर उनके साथ हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और इन क्या कहते हैं और उनका क्या दर्द है। क्या नाम है? अभिषेक रावत। जिस तरह आज डिप्टी सीएम आए थे आपसे मिलने नहीं आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मेरे घर से बस 2 मिनट की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी, मैक्स टू मैक्स 200 मीटर की दूरी, कोई एक नहीं पे जिला पंचायत का चुनाव जीती है मैडम जी, उनके घर पे वो चाय नाश्ता डिनर करने के लिए आ गए लेकिन हमारे यहाँ पर वो नहीं आए। तो ये थे हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद, उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से ये सरकार है, सरकार अपने नुमाइंदों को अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ही
वरीयता देती है, उनको स्थान देती है, उनसे मिलने जाती है, और बावजूद उसके जहां वो जाते हैं तो वहां कार्यकर्ता के घर से, और यहां शहीद की जो जो स्मारक बना हुआ है जहां शहीद की वीरांगना धरने पर बैठी है, तो वहां वहां से लेकर वहां उनका ओनली 200 मीटर का रास्ता था, फिर भी वो इस नहीं इस जहमत को नहीं उठा पाए और ना ही उनसे मिलने आए। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी इंडिया। इस खबर पर हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, लगातार आप इस खबर पर अपडेट बनाई हुई और लगातार आप कहीं ना कहीं वीरांगना को, शहीद की वीरांगना को आप इंसाफ दिलाने के लिए हर वो कोशिश कर रही हैं, हर वो कोशिश कर रही हैं जो आपसे मुमकिन हो पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने दिनेश शर्मा से भी बात की, उस पर भी उन्होंने आपने कल उनसे बोला कि किस तरह से जब वो दौरे पर आए हुए थे कि एक वीरांगना है जो मदद के लिए गुहार लगा रही, उसके बावजूद वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। जी कीर्ति, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सरकार की जो संवेदनहीनता जो नजर आ रही है, बिल्कुल साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को मैं बराबर इस चीज को अपडेट कर रही हूँ, इस चीज को दर्शकों को दिखा रही हूँ कि एक सब जब शहीद की पत्नी अगर इस तरह की अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के और धरने पर अगर बैठ जाए तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। तो इस तरह ये जो सरकार है ये बिल्कुल संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। ये जो शहीद हम जो वीर जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर जाके अपने परिवार की परवाह ना करते हुए शहीद हो जाते हैं, अपने परिवार को ना देखते हुए, ऐसे शहीद की पत्नी जब एक धरने के लिए मजबूर हो जाती है तो देखने वाली बात ये सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनमानस इस सरकार में क्या कुछ कर पाएगा, क्या उसकी कोई आवाज को पहचान पाएगा। ममता, कहीं ना कहीं लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलवामा हमले में शहीद हुई पत्नी को जो उनकी मांगे हैं, हालांकि उनकी मांगे इतनी बड़ी नहीं है, उनकी वो मांगे जो भी हैं कि अगर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाए, उसका शिलान्यास किया जाए तो वो होना चाहिए, और उसको लेकर जो उनके पास जो राशि है उन तक पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर भी लगातार प्राइम टीवी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा सामने आया है। बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। हमीरपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आकाशीय बिजली गिरने से 31 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। तो 31 साल की महिला की मौत हो गई हादसे में सामने आया है। बता दें कि राठ कोतवाली क्षेत्र के में आकाशीय बिजली गिरने से 41 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल खेत से वापस लौटते समय अचानक तेज बारिश होने से महिला ने पेड़ के नीचे छुपने का सहारा लिया, जिसके बाद अचानक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। हमीरपुर में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो में बैठी 15 सवारियों में से 8 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से ही बस चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। यहाँ ये घटना मौदहा के राठ तिराहे के पास की है। औरैया के नगर कोतवाली इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और शव को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी हमें किसी मित्र ने बताया कि तुम्हारे मामा ऐसे पड़े वहाँ पे, तो वो घर से खाना वगैरह खा के गए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं वहाँ गया तो मौके पर मृत पड़े मिले, सर में गुरु चोट है। कहाँ, किस जगह मिले थे? ये गुरुकुल से जो भारा मलगिरी रोड गया उसी के थोड़ा सहारनपुर के बेहट इलाके में करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। लाइनमैन की मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आरोपी की सूचना के बावजूद बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस घटना से ग्रामीणों में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही कोतवाली बेहट और कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, उसी टाउन ले रखा था, उसने जो है जो बिजली चला रहा था उसने जो है गलती से जो है लाइट छोड़ दी है। अच्छा, फिर डेथ हो गई जी। अब क्या चाहते हो आप?
मुआवजा चाहिए थी और जे नौकरी बच्चों के लिए, बच्चों का आसरा चाहिए। बिजली विभाग का कोई अधिकारी पहुँचा है? बिजली विभाग का अधिकारी पहुँचा है कोई? सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में पेट काटने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने ठेकेदार की पीट पीट कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मौत पर परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ऐसा हुआ जी, वो पेड़ का काम करता था और उसको बुलाया वहाँ से, उसकी गेल मार पीट करी, डरा धमकाया उसको, डरा धमका के और उसको घर भेज दिया मार के, मतलब मार पीट करके। तो उसको कहीं ऐसी चोट लगी अब जो उसका इलाज नहीं हो पाया। अगले दिन ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद क्या है, ग्रह रेफर कर दिया उसे गंगो से, हाँ थानेदार को बयान दिए और रेफर कर दिया गंगो से सहारनपुर के लिए डॉक्टरी करा के गंगो। और उसके बाद घंटे दो घंटे के बाद वो उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।